नव वर्ष के पहले दिन हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ यूटी सचिवालय। यह है वह सचिवालय है जिसमें बैठे अधिकारी चंडीगढ़ के विकास कार्यों की योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। यूटी सचिवालय में प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा, गृह सचिव व अतिरिक्त तौर पर संभाल रहे वित्त सचिव का कार्यभार अरुण कुमार गुप्ता, चीफ आर्किटेक्ट कपिल सेतिया व चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद की जगह आज ही पदभार संभाल रहे सीबी ओझा समेत अनेक आला अधिकारी सचिवालय में बैठते हैं और कभी कभी चंडीगढ़ प्रशासक वीपी बदनौर भी यूटी सचिवालय में आकर आला अधिकारियों से चंडीगढ़ विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं व योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हैं। नववर्ष के दिन हम ऐसे ही अधिकारी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने जुलाई वर्ष 1998 में एसडीओ के पद पर ज्वाइन किया था। स्वच्छ छवि के मिलनसार अधिकारी व चंडीगढ़ की रग रग से वाकिफ हैं वह हैं सीबी ओझा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एसडीओ रहकर काम किया है। उसके बाद पदोन्नति ली कार्यकारी अभियंता व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर और अब चीफ इंजीनियर के पद पर आज पदभार संभाल रहे हैं। इसी अवसर पर अर्थ प्रकाश की टीम ने चंडीगढ़ की भावी योजनाओं को लेकर उनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कहना है सीबी ओझा का। नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं शशि चौरसिया न्यू ईयर के साथ करती हूँ स्वागत। जैसा कि हमें मिल गए एक नए चीफ इंजीनियर सीबी ओझा जी, इनका आज प्रमोशन हुआ है, आज इनको सीट दिया गया है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सर अर्थ प्रकाश टीवी पे। सीबी ओझा जी, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू सो मच एंड नए साल के लिए सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा थैंक यू फॉर द हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। तो मैं तो यही, ये जो मेरा जो नया साल, वैसे तो जस्ट अभी मैंने ज़ूम किया है, तो जो हमारी प्रायोरिटीज़ होगी, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी सीटें जो वैकेंट पड़ी हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे जल्दी से जल्दी भरना, बिकॉज बैकबोन ऑफ अगर हमारे ऑफिशियल्स पूरा स्टाफ की सही रहेगा तभी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हायरार्की के लेवल पे सारा सफिशिएंट मैन पावर होनी चाहिए। दूसरा इशूज़ है कि जो कोविड के टाइम में हमारे कुछ कई वर्क्स थे जो हमारे थोड़े से स्लो डाउन हो गए, उनको हमने प्रायोरिटी पे उसको एक्सपेडाइट करना, उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तीसरा ये इशूज़ है कि मेरा रिजर्वेशन है कि जो विद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थोड़ा ई सॉल्यूशंस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देना, जिससे कि पब्लिक की डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन बहुत कम हो और इससे पब्लिक की इमेज को बहुत अच्छा बनाए और मिले, और साथ में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और आगे ऊंचाई पर ले जाएंगे। चौथा जो है कि जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो थोड़े से अगर स्लो डाउन हो गए, उनको हम एक्सपेडाइट करा के ख़त्म जल्दी जल्दी कराएँ, और जिससे कि जनता का विश्वास भी बढ़े और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा, मतलब पब्लिक वे की बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, मैं जानना चाहूँ कि अभी बात चल रही थी कि ट्रिब्यून चौक पे फ्लाईओवर का उसका प्रोजेक्ट शायद रुका हुआ है, उसको लेकर आप जनता को क्या कहें? ट्रिब्यून चौक का तो देखो, बिकॉज आई कांट कमेंट बिकॉज इस मैटर सब्जिडीज है, तो जो चीज़ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया था, तो दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, बट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है कि क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। एक और चीज़ है सर, कंस्ट्रक्शन के लिए रोड कंस्ट्रक्शन है चंडीगढ़ में, ये ग्रीन माना जाता है इसको, लेकिन पेड़ भी काटे जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वजह से, है ना, रोड्स वगैरह जो बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, उसको लेके कुछ? नहीं, मैं इस पर एग्री नहीं करता, बिकॉज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में इट्स जो भी पेड़ काटते, पहले तो हम पेड़ काटना अलाउ नहीं करते। अगर मान लीजिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज साइट लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, कई बार हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, वी हैव टू कट डाउन द ट्रीज, बट लेकिन उसके लिए हमारा बड़ा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल है, अगर हम एक ट्री काटते हैं तो हम पाँच ट्रीज को रीप्लांट करते हैं और लोकेशन पे, और उसको वॉच करते हैं कि भी आगे भी लगा के अंडरटेकिंग लेते हैं। अगर इंडिविजुअल कोई काटता है उसे अंडरटेकिंग लेते हैं, और अगर डिपार्टमेंट काटता है देन हम 1:5 वाला, अगर एक ट्री पेड़ काटेंगे तो इसलिए पांच पेड़ लगाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ का जो ग्रीन कवर हमेशा इंक्रीज़ हो रहा है, 38%, पहले 40%, आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ ऐसा जो है यूटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में, तो इसका रीज़न यही है। एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई वुड लाइक टू नो कि कुछ प्लानिंग्स होंगी आपकी, अभी आज आपका नए साल के साथ शुरुआत हो चुका है यहाँ पे, तो क्या लोगों को देना चाहेंगे स्टार्टिंग, मतलब शुरुआती में? जो प्लानिंग नए प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोटी जो नज़रिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन तो मैक्सिमम जो हेल्थ
बेनिफिट हेल्थ और एजुकेशनल की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी इंफ्रास्ट्रक्चर, वही प्राइम मोटिव और इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आने वाले दो एक दो महीने के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल कर लेगी कि जो नए हमने प्रोजेक्ट टेकअप करने अगले साल के लिए। कौन-कौन से प्रोजेक्ट? तो ये बेसिकली मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स के हैं, इमरजेंसी ब्लॉक है, देन के ब्लॉक मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, कुछ कॉलेज स्कूल्स की बिल्डिंग कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं, कुछ स्कूल्स हैं, तो ये प्लस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो दैट इज़ प्रायोरिटी। ये प्रोजेक्ट्स जो है कोई जगह फिक्स हुआ है? दीज आर द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल कॉलेज है, सोलर सेक्टर हॉस्पिटल, GMCH, जो प्लस डिफरेंट कॉलेजेस जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, और स्कूल्स, कुछ स्कूल्स की अपग्रेडेशन होनी है, कुछ नए कंस्ट्रक्शन होनी है, प्लस रोड्स नेटवर्क। ठीक है सर, एंड मेरे जनता को, दर्शकों को कुछ न्यू ईयर को लेके कुछ? न्यू ईयर को बस मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि जाने वाला साल सबके लिए बहुत सफल, सुबल और मंगलमय हो। मेरी सबसे यही काम, सबके लिए यही कामना है कि आने वाला साल पहले से ही बहुत अच्छा हो सबके लिए। मैं भी आपके लिए यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा कि नए जो चीफ इंजीनियर बन के आए हैं CB ओझा जी ने, आप सबको क्या तोहफा देने वाले हैं नए साल में, और उन्होंने आप लोग, आप सभी को ये विश भी किया न्यू ईयर को लेके। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए अर्थप्रकाश TV पर। मैं शशि चौरसिया, कैमरा मैन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।